वेलकम टू स्टोरी बॉक्स। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। ली चॉन सिंह, प्रिंस के साथ सोना, ये मैं क्या सोच रहा हूँ। ये बहुत जल्दी है ये सब सोचने को, और वैसे भी वो क्राउन प्रिंस है, वो अपनी आइडेंटिटी के साथ मेरे साथ गांव क्यों चलेगा। मेरा दिमाग खराब हो चुका है। ली चॉन सिंह इसी तरह सोच में डूबा हुआ था, और इसी बीच कोई उससे गिफ्ट छीन लेता है। वो लोग, तुम इतने ध्यान से आखिर सोच क्या रहे हो, क्या तुम्हें मैं नहीं दिख रहा। ली चॉन सिंह, ये तो वही लोग हैं जो कल उस बच्चे को परेशान कर रहे थे, मुझे ये वापस कर दो। वो लड़का, तुम तो उस कल वाले बच्चे से भी ज्यादा नादान हो। अरे मैं डर गया, अरे देखो मैं डर गया कि मेरे हाथ से छूट गया, और वो गिफ्ट को गिरा देता है। तभी ली चॉन सिंह सीधे उस लड़के को लात मार देता है और बोलता है, क्या तुम मरना चाहते हो, और उस गिफ्ट की ओर भागने लगता है। सारे लड़के, इसे मारो, लेकिन ली चॉन सिंह का ध्यान अभी किसी और नहीं था, बस उसका ध्यान उस गिफ्ट को पकड़ने पर ही था। और वो लड़के बेसबॉल बैट ली चॉन सिंह के सर पर मार देते हैं। ली चॉन सिंह के सर से खून टपक रहा होता है, लेकिन फाइनली वो गिफ्ट पकड़ लेता है। वो मन में, फाइनली अच्छा हुआ ये टूटा नहीं। तभी उसकी नज़र उस गिफ्ट पर पड़ती है। उस गिफ्ट में एक कुत्ते का पट्टा था जिसमें लिखा हुआ था, फॉर एवर अलोन, हमेशा अकेले रहोगे। सब लड़के उसके गिफ्ट को देखकर हंसने लगते हैं। भाई मुझे नहीं पता था कि लोग बाग कुत्ते के पट्टे तक को खजाने की तरह संभाल कर रखते हैं। क्या तुम कुत्ता बनना चाह रहे हो। मुझे तो सोचकर हंसी आ रही है कि ये इतना खुश हो रहा था इस गिफ्ट को पाकर। अरे भाई वो तेरा मजाक उड़ा रहा था, तेरे जैसे इंसान के पास दोस्त हो भी कैसे सकते हैं। तू हमसे लड़ता है, चल माना हम बुरे हैं, पर तेरी रेपुटेशन तो हमसे भी बिगड़ी हुई है। भाई मैंने तो सुना है उस कॉलेज के सारे पढ़ने वाले बच्चे इसे वायरस की तरह समझते हैं और छिप जाते हैं जब भी ये आता है। ली चॉन सिंह का ये सब सुनकर और गुस्सा बढ़ता जा रहा था, और वो अपने दांत चबाकर बोलता है, तू नॉन। तभी सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे लोग प्रिंस के लाइव ब्रॉडकास्टिंग के लिए उनके दरवाजे के बाहर खड़े होते हैं। योर हाइनेस, सब कुछ रेडी हो चुका है, आप बाहर आ सकते हैं। योर हाइनेस, लाइव भी चालू हो चुका है। योर हाइनेस, आपने दरवाज़ा क्यों बंद कर रखा है, सब ठीक है। लाइव पर व्यूअर्स बढ़ते जा रहे हैं, पर योर हाइनेस आ ही नहीं रहे। योर हाइनेस कुछ तो बोलिए। पर योर हाइनेस कैसे कुछ बोलते, उस दरवाजे के अंदर ली चॉन सिंह ने उनका मुंह जो बंद कर रखा था, ली चॉन सिंह ने उनका हाथ उसी कुत्ते के पट्टे से बांधा हुआ था जो योर हाइनेस ने उसे गिफ्ट में दिया था। बाहर से अब भी आवाज़ें आ रही होती हैं, स्पेयर की लाओ, शायद योर हाइनेस को हमारी ज़रूरत है, स्पेयर की लाओ जल्दी। वहीं अंदर ली चॉन सिंह, आखिर तुमने मुझे डॉग कॉलर क्यों दिया, इसका मतलब क्या था। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आगे जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बॉक्स।